छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गए। इनमें पहला हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने और दूसरा हाइब्रिड बीज के गुणवत्ता जांच के लिए लैब खोलने की अशासकीय संकल्प विधानसभा में पारित हो गए। विधानसभा में ये जानकारी दी गई कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष सरकार ने आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने का अशासकीय संकल्प पारित कर लिया। अशासकीय संकल्प लाया गया और वो संकल्प ऐसा प्रदर्शित करता है कि राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि अब छत्तीसगढ़ का विकास हमको नहीं करना है, चाहे वो रेल लाइन का मामला हो, चाहे बड़े उद्योगों का मामला हो, चाहे फिर बड़े डैम बनने का मामला हो, या केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं, चाहे नहर का मामला हो। दो अशासकीय संकल्प थे, एक तो यहाँ बीज के प्रमाणीकरण के लिए यहाँ केंद्र खुलना चाहिए और दूसरा जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है जिसमें कोल ब्लॉक है, भारत सरकार से अनुरोध करती है कि उन कोल ब्लॉकों को निरस्त किया जाए। कोल ब्लॉक जो केंद्र सरकार लगातार आवंटित किए जा रही है उसको पूरा रोक लगाई जाए, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने। और आज सदन में चूंकि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सहृदयता दिखाते हुए दोनों अशासकीय संकल्पों को सर्वानुमति से सदन ने स्वीकार किया।